किसी का सपना टूटने का दर्द समझते हो? और हाँ, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, बल्कि आप तो ये भी कह सकते हो ना कि सर, हमसे ज़्यादा तो ये दर्द कोई समझता ही नहीं है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के उन बच्चों की, जो कि सीटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या फिर सीटी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका सपना था कि राजस्थान पुलिस में जॉब लेना है। अगली बार जब तक हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि हमारी एज नहीं रहेगी। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 12th पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें राजस्थान पुलिस में लगना है। लेकिन अगर मैं आपको कोई एक ऐसी चीज़ बताऊं, ना तो आप सीटी पास हो, ना ही आप चाहे 12th पास हो, अगर आप 10th पास हो और वही राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल से भी बेहतर जॉब, जिसमें सारी सुविधाएँ भी कॉन्स्टेबल से अच्छी वाली, और जहाँ पर आपको एक VIP वाली कैटेगरी के अंदर जॉब मिले, वो भी राजस्थान पुलिस के अंदर ही। आप सोचेंगे, सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप तो मजाक कर रहे हो, और वो भी बिना सीटी, हम पागल थोड़ी है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार आपको विश्वास करना है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, और वो भी जितनी आपकी 3,500 पोस्ट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आई है, वही पोस्ट है ना, 3100 समथिंग पोस्ट है, वो आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। सब कुछ बताने वाला हूँ, वही सिलेबस सेम सा रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। बस आप एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके लिए टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और सारी चीज़ें, इसका स्टडी मटेरियल कहाँ पर कैसे मिलेगा, वो भी उसके लिए आपको मिश्रम अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे लाडलो, मैं ये बात कर रहा हूं आपके साथ में राजस्थान पुलिस को लेकर के। अब राजस्थान पुलिस में इस वर्ड को थोड़ा सा अगर हम हटा दें, अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, तो यहां पे मैं बात करता हूं RISF। इसको कई लोग नाम दे रहे हैं RSC कैटेगरी के तहत, RSC RISF, यानी कि राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपने CISF का नाम सुना होगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, केंद्रीय जो बल होता है, उसी आधार पर राज्य में भी एक ऐसी जो है, एक तरीके से एक ऐसी कंपनी का गठन किया जाएगा जो कि उद्योगों की सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। और इसको लेकर के बजट में पहले ही घोषणा हो चुकी थी, इस बजट में, इस बजट से पहले वाले बजट में, यानी 22-23 के बजट में ही इसकी घोषणा हो चुकी। अब उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके तीन हैं वो प्रमुख सेंटर भी बनाए गए हैं, प्रमुख केंद्र भी, जो है भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा। इन तीनों के प्रमुख सेंटरों को भी बनाने के बाद में ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि अब इसकी भर्ती निकलने वाली है। अब इसके लेकर सबसे बड़ी बात है कि सर, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन, आप अगर 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सर, एज क्राइटेरिया क्या होगा? एज क्राइटेरिया की बात करूँ, मिनिमम 18 साल तो होगी। जैसे CISF CRPF में होता है ना, हो सकता है इसका पहली बार अगर वैकेंसी निकल रही है, 18 से 25 साल तक का इसमें एज क्राइटेरिया रखा जा सकता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 18 से 25 साल का क्राइटेरिया रखा जा सकता है। हो सकता है इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, 18 से 23 भी किया जा सकता है, लेकिन अभी की संभावना के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। बाकी जो कैटेगरी वाइज है, जो छूट मिलेगी वो अलग है, लेकिन जनरल कैंडिडेट है तो 18 से 25 साल का आपका एक क्राइटेरिया मिल सकता है। जो OBC ST SC को जो छूट मिलती है 3 साल की, 5 साल की, वो भी मिलेगी। इस बार आपको पता, राजस्थान पुलिस में भी 1 से 4 साल की छूट और दी गई है, उस हिसाब से छूट आपको दी जा सकती है। तो आप इसमें, इस क्राइटेरिया में अगर सेट बैठते हैं, अगर 1-2 साल आगे पीछे भी हैं तो भी अभी टेंशन आप मत लीजिएगा। अगर आप 10th पास हैं तो आप RISF के लिए आप एलिजिबल हैं। सर, कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है? 3,072 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आने वाली है, यानी राउंड फिगर में 3100 समथिंग जो है पोस्ट है, इसके ऊपर आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात सर, क्या हम राजस्थान पुलिस की भी, अगर कई बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो RISF के साथ कर सकते हैं क्या? पहला सवाल आपका ये बनता है। दूसरा ऐसा है सर, हम सिर्फ RISF की तैयारी करना चाहते हैं, पहले हमने राजस्थान पुलिस की तैयारी की थी, इसमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आपका पहले क्या होता था, रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल, और इस तरीके से प्रोसेस अपनाया जाता था, ठीक उसी तरीके से आपका पहले रिटर्न एग्ज़ाम करवाया जाएगा, फिर आपका फिजिकल करवाया जाएगा, यही इसमें प्रोसेस अपनाया जाएगा। अब इसमें अगर आप बात करें कि सर इसके अंदर सिलेबस क्या हो सकता है, तो सिलेबस की अगर नॉर्मली मैं बात करूं, तो राजस्थान पुलिस में होता है वही आपके लिए इसके अंदर है, वो रीजनिंग सर्वोपरि होगी, क्लियर है, इसमें रीजनिंग सर्वोपरि होगी। मैथ अगर आएंगे तो 2-4 क्वेश्चन आएंगे, नहीं मैथ का बहुत कम चांस होगा, बहुत कम प्रायोरिटी होगी। उसके बाद में आपका जो मेन रोल होगा, जैसे कि राजस्थान GK, क्लियर है, और आपका इंडिया GK, ठीक है गाइज,
और यहाँ पे आपका कंप्यूटर, यानी कि जो राजस्थान पुलिस वाला सिलेबस है वो ही इसमें सिलेबस रहेगा। लेकिन ये मान लीजिएगा अगर राजस्थान पुलिस वाले के अकॉर्डिंग अगर 150 नंबर का भी होता है ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि 50 नंबर समथिंग की तो ओनली रीजनिंग आ जाएगी, बाकी के जो पोर्शन उसमें पहले की तरह बनते हैं अलग अलग तरीके से। इनमें जैसे 10 नंबर का कंप्यूटर मान लीजिए 60 तो ये हो गए। अब इसमें रेशो करके चलेंगे कि इंडिया जीके कितना दिया जाता है और ये कितना दिया जाता है। अगर ये मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के दे दे, 40 क्वेश्चन इंडिया जीके के दे दे, वो डिपेंड करेगा उस आधार के ऊपर। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये मान करके चलना कि अभी भी आपके पास में ऑप्शन बचा हुआ है। अगर आपने सीटी पास नहीं की थी और आप पुलिस जैसी जॉब में जाना चाहते हो, वो भी राजस्थान में, अगर आप अदर स्टेट से भी है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपने चाहे सीटी पास नहीं किया हुआ है, बहुत अच्छा चांस है। इसकी पूरी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। सबसे बड़ी बात सर, हम इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए अलग से कॉम्बो पैक बनाया हुआ है RISF का, वो आपको मिस्र में अकेडमी पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके थ्रू आप जुड़ करके हैं वो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। रीजनिंग तो आपके लिए, आपको रीजनिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर रीजनिंग अलग से आप पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग का भी अलग से कॉम्बो पैक है और इस एग्जाम का भी है, तो आप चाहें तो इसके लिए विजिट कर सकते हो मिस्र में अकेडमी पर। अगर कोई भी क्वेरी हो तो इसके लिए कोर्स से रिलेटेड आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7733943243 पर। उम्मीद है गाइस आपके सपनों को फिर से एक नई उड़ान मिली होगी। आप टेंशन फ्री रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, बाकी टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। जल्द इसकी क्लासेज भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे जरूर रखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, आपको मैं सर के साथ है। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।